ओम शांति। 2 सितंबर 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे 4:30 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वो सवेरे के लिए भी, शाम के लिए भी, रोजाना के लिए एक ही लिंक है। यदि आपको वो लिंक प्राप्त नहीं हो पा रहा है या कोई कठिनाई आ रही है तो आप सामने इसी वीडियो में चलती हुई लाइन के अंदर व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं उसी पर व्हाट्सएप करके लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हैं। और यदि आपका कोई सुझाव हो, ऐसा विचार हो जो हम सबके हित में हो सकता है तो वो भी आप भेज सकते हैं, उसे भी हम मुरली मंथन में हिस्सा बना देंगे। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, निश्चय भाई जी आपको परमात्मा वाक्य में सर्वव्यापी नहीं है। सारी दुनिया पागल है कहती आ रही है सर्वव्यापी है, बिल्कुल पागल है। अच्छा, क्या आप किसी पागल को समझा सकते हो? भाई कहना नहीं माने का कोई मतलब नहीं है, हमने उनको समझाना है। कहना नहीं मानते तो हमारी गलती है, हम उसको समझा नहीं पा रहे तो बाबा कहता है अभी तक तुम्हें अकल है, समझ नहीं आया, अब क्या करें। यदि आप दूसरे को नहीं समझा सक रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें अभी तक समझ में, अब क्या करें, अब कहां मरे। समझाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। कैसे हमें विश्वास हुआ वो बातें उनको समझानी है, ठीक है। वह हमारा बाप है, ऐसे दूसरों को समझाकर निश्चय कराओ, फिर उनसे ओपिनियन लो, फिर उनसे क्या ले लो, ओपिनियन लो, लिखवा लो कि बता दे, लिख के दे दे कि हाँ वाक्य में ही मैंने मान लिया। जब वो लिखकर मान ले तब आपने उसको फोड़ना है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए एक बार गीता का अध्ययन किया। गीता के अंदर 8 श्लोक जिसमें सर्वव्यापी की बात लिखी है, मैंने सारे श्लोक निकाले। मैं वो आपको सारे श्लोक दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, है नहीं। अब ये गीता के 8 श्लोक यदि कोई पढ़ ले, समझ ले, तो समझ सकता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। मैं बताता जा रहा हूं आपको, आपको साथ साथ दिखाता जा रहा हूं और साथ साथ आपको बताता भी जा रहा हूं। गीता का सबसे पहले ये 2रा अध्याय है जिसमें से ये श्लोक लिया है। ये संस्कृत में लिखा है, अच्छेद्यम आदाह्यम अक्लेद्य अशोष्य एवचे नित्य सर्वगता स्थानु चलो अयम सनातना। ये जो है ना 24वां श्लोक है 2रे अध्याय का, जिसका हिंदी में मैं आपको अनुवाद दे रहा हूं, उसके संस्कृत के शब्द में भी दिया है। तो सर्वगता शब्द क्या है, सर्वगता, जैसे ये आत्मा अच्छेद्य है मतलब काटी नहीं जा सकती, ये आत्मा अदाह्य है इसे जलाया नहीं जा सकता, अक्लेद है इसे गीला नहीं किया जा सकता, निसंदेह अशोष्य है जिसे गीला नहीं किया जा सकता, उसे सुखाया भी नहीं जा सकता, अयम ये आत्मा नित्य है, नित्य में तो हमेशा रहती है, थी है और रहेगी, अनादि और अनंत है। इसके बाद एक शब्द दिया है सर्वगता। सर्वगता का इन्होंने हिंदी में अर्थ, मैं सामने गीता में दिखा रहा हूं, इन्होंने हिंदी में अर्थ क्या लिख दिया, सर्वव्यापी। इन्होंने इस गीता के अंदर क्या लिख दिया, सर्वव्यापी, क्योंकि एक एक शब्द का अर्थ दिया है इस गीता के अंदर, हर संस्कृत के शब्द का अर्थ साथ में दिया है, सर्वव्यापी। अब
सर्वगता का मतलब होता है गता माना जाना, जो सब जगह जाती है। अब जो सब जगह जाती है वो सब जगह हो ये तो नहीं हो सकते ना, कि मैं आत्मा सवेरे से लेके शाम तक सैकड़ों जगहों पर जाता हूं, कहीं 10 मिनट, कहीं 1 घंटा, कहीं आधा घंटा, कभी उस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी पड़ोसी के घर, कभी कहां, सारे दिन में कितने कितनी जगहों पर जाते हैं। पर तो एक टाइम में हम एक ही जगह होंगे, हम सब जगह तो हो ही नहीं सकते ना, हम आत्मा को सर्वव्यापी तो कह नहीं सकते ना। परंतु उन्होंने यहां सर्वव्यापी लिख दिया, अब सब उसको क्या समझ बैठे, सर्वव्यापी। अब हिंदी में लिख दिया जाएगा सर्वव्यापी, पढ़ने वाला पढ़ेगा उसको सर्वव्यापी, परंतु लिखने वाले ने तो सर्वव्यापी नहीं लिखा ना, लिखने वाले ने तो संस्कृत में सर्वगते लिखा, जो सब जगह जाती है। अनुवाद करने वाले की गलती ने सारी दुनिया को क्या कर दिया, गुमराह कर दिया। दूसरा, सर्वव्यापी कहने के पीछे शब्द आता है, जातिवाचक संज्ञा होता है और एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक संज्ञा होता है बढ़िया है, धोबी है, साधु है, बड़े एक जाति को बताता है, ठीक है नहीं। और व्यक्तिवाचक में हमारा व्यक्तिगत नाम हो गया, ठीक है कि नहीं। तो अब इसमें क्या होता है कि जातिवाचक संज्ञा के रूप में आत्मा हमारे शरीर में भी है, आपके शरीर में भी है, पशु में भी है, पक्षी में भी है, जीव में भी है, जंतु में है, सब में। तो आत्मा सबके अंदर है, तो आत्मा सर्वव्यापी है। जातिवाचक के रूप में तो आत्मा सब जगह है, वो सब में है, कीड़े मकोड़े जीव जंतु जहां जहां जो आत्मा है वो सब है। परंतु जातिवाचक संज्ञा के रूप में तो हम कह सकते हैं कि आत्मा सब में है, परंतु परंतु व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जो आत्मा इस शरीर में है वो सब जगह तो नहीं है। जैसे हम कहें कि आलू और सरदार सारी दुनिया में पाया जाता है, आलू भी सारी दुनिया में मिलता है, कोई देश ऐसा नहीं है जहां आलू नहीं है, सरदार भी ऐसा कोई नहीं, कोई देश ऐसा नहीं है जहां सरदार नहीं है। अब इसका मतलब ये थोड़ा कि सर्वव्यापी हो गया। परंतु जो सरदार मैंने पकड़ रखा है वो तो कहीं और नहीं है ना, ये सरदार तो कहीं और नहीं है ना, जो आलू मेरी मुट्ठी में है वो तो दुनिया में कहीं और है नहीं ना। तो इसलिए आत्मा सर्वव्यापी नहीं है, ये दूसरे अध्याय के हिसाब से हमें उनको समझाना है। फिर दूसरे अध्याय के ही मतलब 15वें श्लोक के अंदर लिखा है सर्वगतम, वहां लिखा है सर्वगते, यहां लिख दिया सर्वगतम, और उन्होंने फिर उसका अनुवाद वही कर दिया सर्वव्यापी, क्योंकि उनके पास और कोई इलाज ही नहीं है। सर्वगते का अर्थ सर्वगतम का अर्थ उन्होंने क्या लिख दिया, सर्वव्यापी। तो इस प्रकार से यह आत्मा के लिए दोनों ही थे। उनमें 5वां अध्याय है, वहां शब्द दिया है विभु, वहां शब्द क्या दिया है विभु। अब विभु शब्द का अर्थ उन्होंने सर्वव्यापी लिखा, विभु का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, विभु का अर्थ होता है जो सबसे श्रेष्ठ है। अब उनकी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है कि परमात्मा आत्मा एक है, उनकी जो मिस्टेक है वो ये है, आत्मा और परमात्मा एक है। तो आत्मा परमात्मा सब जगह हो गए, सर्वव्यापी हो गए, उसी आधार पर उन्होंने परमात्मा जब विभु है, वो सबसे विशेष है, वो सबसे श्रेष्ठ है, वो सर्वोच्च है, अब उसको सर्वव्यापी कहने की जरूरत क्या है, अपनी तरफ से उन्होंने सर्वव्यापी लगा दिया। जैसे कि उन्होंने समझते कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी शब्द नहीं है यहां पर, विभु का अर्थ कोई सर्वव्यापी शब्द नहीं है, परंतु विभु माना श्रेष्ठ परम सर्वोच्च, ठीक नहीं। अब उसके साथ सर्वव्यापी अपनी तरफ से लगा दिया, सर्वव्यापी परमात्मा ने किसी को पाप कर्म को और ना किसी को शुभ कर्म ही ग्रहण करता है, मतलब परमात्मा किसी के पाप कर्म नहीं लेता, किसी के शुभ कर्म नहीं लेता। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। कर्म करके समझते हैं भगवान ही अच्छे कर्म करा रहा है, भगवान ही बुरे कर्म करा रहा है, इसी अज्ञानता में सारी दुनिया चल रही है। यहां सर्वव्यापी शब्द नहीं है श्लोक में, परंतु उन्होंने सर्वव्यापी अपनी तरफ से साथ में लिख ही दिया। तो आगे वाला क्या करेंगे,
उसके बाद मतलब जो सब जगह जा सकता हूं, मैंने आगे लिख के दिया है उनको, तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे शब्द अगला है गीता का अध्याय छठा, उसमें श्लोक है 29वां। उस 29वें श्लोक के अंदर शब्द है योग युक्ताम, योग युक्ताम। अब उन्होंने योग युक्ताम का अर्थ क्या दिया, सर्वव्यापी अनंत चेतना में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला। अब योग युक्ताम का अर्थ होता है कि योग युक्त, आत्मा के बारे में बताया है कि आत्मा योग युक्त अर्थात परमात्मा से जिसने संबंध जोड़ा हुआ है। अब ये इन्होंने अपनी तरफ से जोड़ दिया सर्व, वहां शब्द नहीं है कोई भी, सर्वव्यापी अनंत चेतना में उस परमात्मा के साथ हमने योग जोड़ना है, अपना संबंध जोड़ना है, पर तो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने लिखना था, पर तो उन्होंने परमात्मा लिखा है तो इसलिए उसके साथ क्या लिख दिया, अपनी तरफ से सर्वव्यापी लिख दिया। श्लोक में सर्वव्यापी शब्द का कोई संस्कृत में शब्द नहीं है, यह अपनी तरफ से क्योंकि बुद्धि में बैठा है इसलिए उसके साथ क्या लिख दिया, सर्वव्यापी। हाँ, उनको कौन समझाए कि जब हमने परमात्मा से योग लगाना है, वो है कोई ना, एक है, तो उसके साथ हम योग लगाएंगे, वो सर्वव्यापी है तो हम किसके साथ योग लगाएंगे। चार हो गए, पांचवा है दसवें अध्याय का 12वां श्लोक, उसके अंदर भी फिर विभूम लिखा है, विभू या विभूम, विभूम माने परमात्मा श्रेष्ठ। अब उसके साथ उन्होंने अपनी तरफ से ही उसी प्रकार से सर्वव्यापी जोड़ देते, अजन्मा सर्वव्यापी कहते हैं। देखो पूरा पूरा श्लोक पढ़ता हूं, आप परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र हैं, आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा, और विभू का अर्थ क्या लिख दिया, सर्वव्यापी कहते हैं, आपको सर्वव्यापी कहते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी कैसे है? कहते हैं, अब कहना कुछ जरूरत है कि सचो, तो वैसे ही देव ऋषि नारद असित देवल ऋषि महर्षि व्यास कहते हैं, और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं, ये अर्जुन कह रहा है, है नहीं? इस प्रकार भगवान के वचनों सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान आप क्या हो, सर्वव्यापी हो, क्योंकि सबने कह दिया सर्वव्यापी हो, तो अर्जुन के मुंह से भी उन्होंने क्या कहलवा दिया, सर्वव्यापी। और उसके बाद छठा है 12वें अध्याय के अंदर 3रा श्लोक है, सर्वत्र गमा चिंतयत्। अब सर्वत्र गमा, सब जगह जाने वाला, या संस्कृत में लिख दिया, सीधा से सीधा वही लिखा है कि परमात्मा सब जगह जा सकता है, परंतु हिंदी में क्या लिख दिया, सर्वव्यापी। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को, मतलब शरीर को, ये इंद्रिया ग्राम, ये शरीर को कहा जाता है इंद्रिय ग्राम, बलि प्रकार से वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वत्र गम, सब जगह गमन करता है, तो उन्होंने उसको सर्वव्यापी कह दिया। अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को, ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए बजते हैं, वो संपूर्ण भूतों के हितों में रत सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होवे। अब यहां सर्वव्यापी अपनी तरफ से। इसी प्रकार 7वां है 13वें अध्याय के अंदर 32वां श्लोक, उसमें भी सर्वगता गतम लिखा है, और उसका अर्थ वही फिर सर्वव्यापी कर दिया, जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त जो सब जगह जा सकता है, आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, मतलब आकाश भी उसको लिप्त नहीं कर सकता, मतलब आकाश भी उसको, मतलब हम जिसको कहते हैं कि आकाश में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर बड़ा स्पष्ट किया है कि आत्मा आकाश में जाती है, आत्मा भी उसको पकड़ नहीं सकता, या आत्मा का आकाश पर कोई असर नहीं होता। जैसे हम आत्मा शरीर आता है तो हमारा आकाश बाहर जाता है, परंतु आत्मा आती है तो आकाश बाहर नहीं जाता, क्योंकि उसका जो स्पेस है वो जीरो स्पेस है, लिप्त तो होता नहीं है, होता नहीं है। देह में सर्वत्र, अब देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से भी लिप्त नहीं होता, मतलब आत्मा शरीर में रहती है और सर्वत्र रहती है, समझते,
आत्मा सर्वत्र नहीं होती, आत्मा तो अपनी सीट पर बैठती है, परंतु सभी जगह से जो हमारा नर्व सिस्टम जुड़ा हुआ है उनके द्वारा संवेदना पहुंचती है, दुख की, सुख की, ठंडे की, गर्म की, मीठे की, परंतु आत्मा सब जगह नहीं है। परंतु इन्होंने क्या कह दिया, आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, क्योंकि सब जगह से ठंडा गर्म महसूस हो रहा है, परंतु सब जगह आत्मा जाकर थोड़ा महसूस करेगी, आत्मा तो अपनी सीट पर है, उसके द्वारा वहां मैसेज आता है, क्योंकि हम उसको कह सकते हैं कि यदि यहां पर हम नशे का इंजेक्शन लगा दे या इस जगह को सुन कर दे तो इस यहां से नीचे वाला मैसेज ऊपर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब आत्मा सब जगह नहीं है, मैसेज जाता है उस तक। उसके बाद आठवां और लास्ट है गीता में चौथे अध्याय में लिखा है, जो हम आम पुरुष जानते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मनम सर्जामि, मैं स्वयं को रचना करता हूं। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। हां जी, चौथे अध्याय में कौन से श्लोक है भाई जी, बात बोल रहे हैं? ये चौथे अध्याय के अंदर शुरू शुरू में ही है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, फेमस है श्लोक, सब जानते हैं। ठीक है भाई, तो इसी प्रकार से ये भगवान को ढूंढने जा रहा है, हमारे प्रदर्शनी में दिखाते हैं ना, लेकर के भगवान को ढूंढने जा रहा है, तो इसका मतलब भगवान नहीं है उसके पास। उसके पास अपने पास भगवान था तो फिर उसे बाहर ढूंढने की जरूरत क्या थी। यहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चाकू मार रहा है, किसमें परमात्मा है, चाकू में परमात्मा है, मारने वाले में परमात्मा है, जिसको चाकू मारा जा रहा है उसमें परमात्मा है, किसमें परमात्मा है, क्या परमात्मा परमात्मा से परमात्मा को मार रहा है। यहां दिखाया है कि इज्जत लूट रहा है, तो अब पुरुष में भी परमात्मा है, स्त्री में भी परमात्मा है, क्या परमात्मा परमात्मा की इज्जत लूट रहा है, किसमें परमात्मा है, क्या परमात्मा की उपस्थिति में भी ऐसे पाप कर्म होते हैं, यदि नहीं है तो फिर ये पाप कर्म क्यों कह रहे हो। फिर अग्नि है, लोहे को हम गर्म करते हैं तो अग्नि के गुण लोहे में चले जाते हैं, लोहा भी लाल हो जाता है, तो परमात्मा यदि मेरे अंदर है, ज्ञान का सागर मेरे अंदर है और मैं ज्ञान मांग रहा हूं, शांति का सागर मेरे अंदर है मैं शांति मांग रहा हूं, कैसे फिर मेरे अंदर है वो। यदि परमात्मा मेरे एक अंदर है, शांति का सागर मेरे अंदर है, तो फिर तो मुझे शांत होना चाहिए ना, फिर मुझे अशांत नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान को बीमार है कोई तो कह रहा है भगवान जी दुख हारो, इसका मतलब उसमें भगवान नहीं है। फिर हम कहते हैं भगवान कण कण में है, जरे जरे में है, सुअर में भी है, कुत्ते में भी है, गधे में भी है, उल्लू में भी है, किसमें भगवान है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से बाबा कहते, पहले तुम समझो फिर उनको समझाओ। ये सारी बातें हमें समझानी है कि आत्मा भी परमात्मा नहीं है, परमात्मा भी एक आत्मा है, परंतु सब आत्मा यूनिक है, हर आत्मा अपने ही कर्मों का फल भोगती है, किसी दूसरे के किए कर्म का फल कोई आत्मा नहीं लेती, चाहे रिश्ता कुछ भी हो। तो ये हमने सिर्फ समझाना समझाना नहीं है, उनसे लिखवा लेना है। तो जो हमारे पास जितना ज्यादा लोगों से लिखा हुआ होगा, फिर कोई आता है थोड़ा बहस करता है, देखो इतने लोग मेरे पास आए हैं, सब ने स्वीकार किया है, क्या अब हमें समझ में आ गया परमात्मा सर्वव्यापी। या आपके पास एक नोटबुक हो जिसमें आपने सबसे लिखवा के रखा हो, जिसको समझाया, ताकि आगे वाले को उस बात से जल्दी विश्वास हो जाएगा, अच्छा इतने लोगों ने मान लिया, ठीक है फिर तो ठीक है। नहीं मानेगा तो अपने हिसाब से, इसमें कोई शक नहीं है, मैं समझ रहा हूं। परंतु ये होता है कि जैसे बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े लोगों में किसी को हमने किताब उनके लिए है, उन्होंने मान लिया, हमने किसी किसी पंडित जी को किसी को समझाया, उसने स्वीकार कर लिया, तो उसके बाद हम अगले वाले को दिखाएंगे, उसने भी माना, कहता अच्छा इन्होंने मान लिया है, साइन भी करके दिए हैं, ठीक है फिर तो ठीक, उसको भी मानने में मतलब थोड़ा जो दुविधा होगी वो सुविधा होगी,
तो इसलिए बाबा ने आज इस बात पर जोर दिया है कि आपने समझाना है। यदि आप नहीं समझा सकते हो तो समझ लो अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए सबको हमने सबको समझाना है, बड़ा मेन बात हमें समझ लेनी है। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई नहीं पूछ सकता? उत्तर, हाँ जी, ये आत्मा मतलब है ना वो ज्ञान का स्वरूप है, और बाबा सागर है, इसमें डिफरेंस है क्या? आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान का सागर है, इसमें डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है, क्योंकि परमात्मा कभी भी ज्ञान को क्षय नहीं करता। आत्मा जो है ज्ञान को क्षय करके फिर ज्ञान धारण करके ज्ञान स्वरूप बनती है, उतनी ज्ञान स्वरूप बनती है जितना वो धारण करती है। परमात्मा, कोई भी आत्मा ज्ञान का सागर नहीं बन सकती। हाँ, नहीं पतित मतलब पतित से पावन बनती है, परमात्मा पतित पावन है सिर्फ एक, वो तो सब पतितों को पावन बनाने वाला है। हम आत्माएं पतित भी बनती है, पावन भी बनती है। किसी भी देहधारी आत्मा को पतित पावन नहीं कहेंगे। भाई कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, तो हम उसको ये कहते हैं कि आत्मा भी परमात्मा की तरह, आत्मा भी है ना वो परमात्मा भी आत्मा की, आत्मा की तरह है। हाँ, जैसी है बिल्कुल, आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे हैं, एक नहीं है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे हैं, परंतु एक नहीं है। आकार में, आकार में एक जैसी है ना, हिंदू स्वरूप है। हाँ, परंतु एक नहीं है, सब अलग अलग है, सबके गुण संस्कार अलग अलग है। आप उनको ये भी कह सकते हो कि सबकी आईडी बिल्कुल अलग अलग है। परमात्मा की आईडी अलग है, हमारी आईडी अलग है, हर आत्मा की आईडी अलग है। जैसे आधार कार्ड अलग होता है, ऐसे हर आत्मा का आईडी अलग अलग। लेकिन वो साइड में आकार में एक जैसी है ना। हाँ जी, जब बाबा बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं, बच्चे पहले तुम कब मिले हो? जो बच्चे समझे हुए हैं वो तो झट कहते हैं, हाँ बाबा हम 5000 साल पहले आपसे मिले थे। जो नहीं समझे हुए थे वो मूंझ जाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछने का आपका किसी दूसरे को नहीं आएगा। बाबा के पास पहले दीदियां लेके जाती थी, बाबा पूछते थे। अब पहली पहली बार जो लेके गई तो उन्होंने बताया नहीं, अब उन्होंने बताया नहीं तो बाबा बहनों की तरफ देखता, क्या क्या पढ़ाया तुमने, देखने का मतलब क्या तुमने पढ़ाया इनको, इनको क्या सिखा के लाए हो, इनको इतना भी समझ में नहीं आया। फिर बहने क्या करती थी, ट्रेन में बैठती थी, उनको समझाती थी, देखो बाबा ये बातें पूछेंगे, इसका जवाब ये देना, इसका जवाब ये देना, इसका जवाब ये देना। फिर वो जाते थे तो वो पूछते थे, बाबा ने प्रश्न पूछना है, अब बाबा प्रश्न पूछते थे, फिर बच्चे क्या जवाब देते, बाबा 5000 साल पहले हम आपसे मिले थे। फिर बाबा क्या पूछते थे, किसने बताया? तो दीदी ने बताया। फिर बाबा दीदी को देखेगा, तूने बताया इसको, पढ़ा के लाई है फिर कैसे नहीं चलेगा काम। उन्हें खुद समझ में आना चाहिए, उन्हें खुद समझ में आना चाहिए, पढ़ा के लाने से नहीं बनेगी बात। अक्कल दूसरे किसी को आएगा भी नहीं, आप ही तुम आप आप ही तुम्हें सारे कल्प का राज समझ, क्योंकि तुमने उनको अभी तक सारा राज नहीं समझाया। क्वेश्चन बच्चे को क्वेश्चन याद करके रटवाना पड़े कि ये पूछा जाएगा, इसका ये जवाब देना, मीन्स ये पढ़ाई अधूरी है, ये पढ़ाई अधूरी है। रटवाना नहीं पड़े, उसे खुद समझ में आ जाए ये राज। परमात्मा कहते मैं सारा राज तुम्हें समझा रहा हूं, और तुमने सारा राज हर बच्चे को, हर आत्मा को समझाना, ताकि वो अपनी बुद्धि से जवाब, तब समझो कि उसको समझ में आया। मतलब कोई भी बात ऐसी ना हो जो आपको मालूम हो और आपसे आगे वाले को मालूम ना। आपने हर बात, जैसे बाबा कुछ भी नहीं छुपाता, सब कुछ बता देता है, ऐसे तुमने भी कुछ भी छुपा के
नहीं रखना है, सब कुछ आगे दे देना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं, यहाँ तुम बाप के सामने बैठे हो, घर से निकलते हो इस विचार से, घर से निकलते हो ना इस विचार से हो कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के रथ में आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। हम स्वर्ग में थे फिर 84 का चक्कर लगाकर अभी नर्क में आकर पड़े हैं, और कोई भी सत्संग में किसकी बुद्धि में ये बातें नहीं होंगी। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं, जो इस रथ में आकर पढ़ाते भी हैं, वो हम आत्माओं को साथ ले जाने के लिए आए हैं। बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलना है, ये तो बाप ने समझाया है कि मैं सर्वव्यापी नहीं, मैं सर्वव्यापी नहीं, ये बाप ने समझाया है। सर्वव्यापक तो 5 विकार, तुम्हारे में भी 5 विकार हैं, इसलिए तुम महान दुखी हुए हो। अब ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, ये ओपिनियन जरूर लिखवाना है। समझाने के बाद आज की मुरली में ये जोर दिया जा रहा है बाबा की तरफ से कि आपने जिसको समझाओ उसे लिखवा लो, लिख दे भाई तेरे को समझ में आ गया, वरना मेरा बाप मेरे को कहेगा इसको अकल, पर बाबा को पता लग जाएगा इसने 10 जनों को समझा दिया है, इसका मतलब इसको समझ में आ गया। सर्टिफिकेट दूसरों से लेना है, एक बात नहीं समझानी, और भी है 2 बातें आज। यानी पक्का निश्चय है कि ईश्वर बाप सर्वव्यापी नहीं है, बाप सुप्रीम, बाप सुप्रीम टीचर सुप्रीम गुरु भी है, बेहद का सदगति दाता है, वही शांति देने वाला है, और कोई जगह ऐसे ख्याल कोई को भी नहीं आते कि क्या मिलना है, सिर्फ कान रस, बाकी जगह जहां भी जाओ क्या मिलेगा, कान रस। रामायण सुनाई जाएगी, भगवत गीता सुनाई जाएगी, कोई भी शास्त्र सुनाया जाएगा, पर उसमें क्या है, कान रस बस। एक चौपाई बोलेगा जय श्री राम, जय जय राम, ऐसे रटवाते रहते, एक लाइन बोलेगा फिर जब बोलेंगे जय जय राम, वो बोलेगा जय जय राम, बाकी उनको रटवा देते, तूने जय जय राम बोलना है, मैंने चौपाई बोलना है, वो सारे बेचारे शोर मचाते रहते हैं। उनको बताया कि हमने इसलिए चौपाई पूरी करनी है, हमने जय जय राम बोलना है, क्या बोला हमारा कोई मतलब नहीं है, पर क्या बदला पढ़ने का, मतलब उनकी समझ में ना तो पंडित जी को कुछ समझ में आ रहा है, उसने चौपाई की लाइन पूरी करनी है, उसने थोड़ा सांस ले लेना है, इतने में उन्होंने जय जय राम बोल देना है, फिर अगली चौपाई पढ़नी है, भले ये बड़ी युक्ति रखी गई है, वरना उनका सांस फूल जाए लगातार पढ़ते पढ़ते, बीच में मुझे टाइम मिल जाएगा जितने देर में वो जय जय राम बोलेंगे, या कुछ भी राम राम बोलेंगे, या जय श्री राम बोलेंगे, थोड़ा कुछ भी उन्होंने ये सारी युक्तियां बनाई हुई हैं ताकि बीच में मेरे को गला सूख नहीं जाए और खांसी आ जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। कान रस, अब अगर तो कुछ नहीं है, क्या है, कान रस। एक बार भाई ने मैंने कान रस पर बना दिया कि जिससे कान रस मिला वो योग नहीं है, है ना बाबा ने कहा, कानों से सुन रहे गीत मजा आ रहा है पर तो योग तो है नहीं। एक भाई गीत बनाता है सुनाता है, कहते हम तो यही सेवा करते हैं, हम समझते हम बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, और आपने हमारी सेवा का सारा सत्यानाश कर दिया, क्या ये तो कान रस है योग ही नहीं है। हम समझते कि हम सबका योग लगा रहे हैं, हम गीत गा रहे हैं, उनको सबको योग लग रहा है, योग तो हुआ ही ना उनका, क्योंकि वो तो कान से सुन रहे हैं, अब हमारे को समझाओ हम क्या करें। बड़ी अजीब बात है। बुद्धि में अर्थ कुछ नहीं, बुद्धि में कोई बात उनको समझ में नहीं आई, मतलब उन्होंने 2 घंटे रामायण सुन ली पढ़ ली पर तो कुछ भी बात समझ उनके नहीं आई। आगे हम परमात्मा सर्वव्यापी कहते थे, हम ही कहते थे, अब बाप समझाते हैं ये तो झूठ है, बड़ी गलानी की बात है, ये तो बहुत बाप की क्या की हमने, गलानी की है। तो ये ओपिनियन भी बहुत जरूरी है। आजकल जिनसे तुम ओपनिंग कराते हो, कोई भी प्रदर्शनी लगाते हो, सेंटर खोलते हो, कुछ भी करते हो, उसकी ओपनिंग कराते हो, बुलाते हो उनको आदि कराते हो, तो वो लिखते हैं ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छा समझाने देती हैं, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताती हैं, इससे लोगों के दिल पर सिर्फ अच्छा असर पड़ता है, बाकी ये ओपिनियन
कोई भी नहीं लिखते देते कि दुनिया भर में जो मनुष्य कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, ये बड़ी भूल है। ईश्वर तो बाप, टीचर, सतगुरु है, वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? वो बाप है तो सर्वव्यापी नहीं हो सकता, टीचर है तो सर्वव्यापी नहीं हो सकता, गुरु है तो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। एक तो मुख्य बात है, ये सबसे ओपिनियन लेना। आज बाबा का पूरा अटेंशन इसी बात पर है हमारा कि ओपिनियन लिखवाना, ओपिनियन चाहिए। दूसरा फिर ओपिनियन चाहिए, एक तो ये ओपिनियन चाहिए, दूसरा फिर एक और ओपिनियन चाहिए कि इस समझाने से हम समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, ये भी लिखवाओ। क्योंकि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, ये जो गीता है ये झूठी गीता है, इसमें आटे में नमक जितना सच है। जो व्यास ने लिखी है कृष्ण के द्वारा नाम से सुनाई है, ये तो झूठी गीता है। तो इतना टफ शब्द लिखवाना है, कौन लिखेगा? पहले तो मेहनत करो, उनका सिर खपाओ, तब जाकर के उनसे लिखवाओ, लिखवाना है ये, लिखवाना है उनसे। बाबा का तो काम आज देखो ना, क्या काम दिया है। पहले मुझे मानना मुश्किल है, हाँ आगे बाबा यही तो कह रहे कि तुम पहले अपने आप को बनाओ, अपने अंदर इसको लेके आओ कि गीता का भगवान सिद्ध करो, पहले तुम्हें खुद को समझ में आए। जैसे हम सर्वव्यापी के हैं, 8 श्लोक निकाले, उनको समझाए, गीता का कोई भी हो तो उसको समझ में आएगा। अब नहीं मानता तो उसका कोई इलाज नहीं, हाँ जी, असमर्थ है। पहले उस समर्थ को अपने अंदर जागृत करें। हाँ हाँ समझ गया, बता हाँ ठीक है। हाँ नहीं, हिम्मत नहीं, ज्ञान को बताने का बहस है ना, ये तो बहस वाला विषय हो गया ना। जो कहेगी जो दुनिया वाली रामायण उस पे काट के सूर्यवंशी चंद्रवंशी कर दो, मतलब उनको आगे समझने और समझाने का चाहिए, तर्क चाहिए। पर तो अब ये तो ना कि सारे इतने रामायण शास्त्र गीता किसने पढ़ा? ये तो मेरा भी भाग्य है कि जो पहले मैंने इन सबको गपोड़ ग्रंथों को पढ़ लिया है ना। पर यदि गपोड़ ग्रंथों को ना पढ़ा होता तो मैं भी अच्छा, फिर ये भी भाग्य है कि समझ में आ गया, और यदि समझ में ना आता तो भी नहीं होती बात। क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है, नहीं भी पढ़ रखा तो चांस की बात है कि वो चीजें बाबा ने ड्रामा अनुसार मेरे सामने ले आए। अब मैं लाइब्रेरियन नहीं हूं, तो कुछ टाइम के लिए लाइब्रेरियन चली गई तो लाइब्रेरी का चार्ज मुझे लेना पड़ा, तो मुझे चार्ज मैंने लिया तो सारी लाइब्रेरी की बुक तो चारों वेद मेरे को मिल गए, हिंदी में मिल गए, वरना कौन पढ़ता उनको। अब लाइब्रेरी में मैंने बैठकर करना क्या है? बच्चे किताबें पढ़ेंगे, मैंने अपनी किताबें पढ़नी, मैंने अपना काम करना है। तो इस बहाने वो चारों वेद हिंदी वाले, पर मैंने को पता लगा तो मेरे को पता लगा क्या वेद है, ये होते हैं वेद। बड़ा हिंदी में वेद पढ़ो तो आपको समझ में आए वेद क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई ज्ञान की बात नहीं है। वो संस्कृत में लिखे होते हैं, किसी को समझ में आते नहीं, उसका अनुवाद जो मर्जी वो करते रहते। जैसे यहाँ ये अनुवाद जैसे मैंने देखा, आपको दिखाया गीता का अनुवाद, कुछ भी कर दिया, ऐसे ही हुआ। तो हिंदी में पढ़े और मैं ज्ञान में आ चुका था, ज्ञान में आने के बाद उनको पढ़ने में लगा, ये तो बेकार है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। फिर एक भाई आता है जी, वेद में इसके बारे में वर्णन किया गया, वेदों में प्रकृति के बारे में हमारे जीवन को कैसे अच्छा चलाया जा सके उसके बारे में नॉलेज दी है। पेड़ कौन सा, पेड़ कौन सा पौधा किस काम आता है, किस मौसम में क्या होता है, किस मौसम में क्या होता है, चंद्रमा से क्या होता है, सूर्य से क्या होता है, वायु से क्या होता है, क्योंकि इनको उन्होंने देवता बताया। किस पर कौन सी हवा से क्या मिलता है, ये पश्चिमी हवा है, ये पूर्वी हवा है, मतलब इनका हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं इसकी जानकारी है। ये तो मैंने कहा इससे तो 6 साइंस की बुक है, जिसके अंदर सारी बातों को सिस्टमेटिक तो बताया है कम से कम, और उसमें ये कि
जो जो ना पहले मान लो 20 श्लोकों में रमेश ने लिखा है, तो रमेश ने अपने जो लिखा, अब उसके बाद मतलब किसी दूसरे को लिखने का मौका मिला तो उसने थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया, तीसरे ने भी, और रिपीटेशन है, मतलब उसमें रिपीटेशन भी है। बोले ये नहीं है कि मतलब एक ही बात इन्होंने भी लिख दी, उन्होंने भी लिख दी, इन्हें को दो चार चीजें छोड़ दी, उसने दो चार चीजें जोड़ दी, मतलब उस शब्दों को जोड़ दिया, बढ़ा दिया, घटा दिया। तो हर एक के अनुभव अपने अपने रहे। अब एक ही पौधे के बारे में, तुलसी के बारे में ले लो, पीपल के लिए ले लो, मतलब उन्होंने इनको देवता माना है ना, यज्ञ के बारे में उसमें जिक्र किया है, मतलब जो वो अपने जीवन में करते थे, हमारे समझो कि सिर्फ बुजुर्ग है, वो अपने बच्चों को मतलब डायरेक्शन दे रहा है कि ये चीजें ये काम आती हैं, ऐसा करने से आपके जीवन में ये लाभ मिल सकता है, ये फायदा हो सकता है। इस प्रकार से उन बुजुर्गों ने अपने बच्चों को जो गाइडलाइन दी, उनको श्रुति कहा गया। वेदों को पहला नाम क्या है? श्रुति। मतलब वो लिखे हुए नहीं थे। अब वो एक बुजुर्ग था, उसने कह दिया अपने परिवार में ये बातें, उन्होंने वो श्लोक रख लिए, वो बातें रख ली। अब उसके बाद आगे टाइम आया कि अब उन आगे आगे जब टाइम आया तो वो तो एक बता के गया था, मैंने उसमें से मैंने अपने तरफ से लिख दिया, आपने अपने तरफ से लिख दिया, हम परिवार के 25 लोगों ने 25 प्रकार से। इसलिए वेद जो है इतने सारे हैं, लिखित हस्तलिखित इतने सारे हैं, उनको रखने की जगह नहीं है। जो हस्तलिखित मिली है वो कभी लिखे गए हों और उस समय के जो भी जैसा, क्योंकि उनको कॉपी किया उन्होंने, तो ओरिजिनल कुछ कहां विदेशों में रखे हैं, कुछ कहां रखे हैं, उसका भी मैंने देखा था, कितने वेद कहां, कितने वेद कहां, कितने वेद कहां रखे। पर उसके बाद जो आज का जो रूप है वेदों का, वो हमारे सामने व्यास लेके आया, या हमारे सामने लेके आया ये कौन, शंकराचार्य। ये दो जने हैं जो उनको हमारे सामने, क्योंकि लिपि आई तब, लिपि आई तब, कब आई लिपि? संस्कृत लिपि ईसा से 300 साल पहले, ईसा मसीह से 300 साल पहले पाणिनि ने संस्कृत भाषा बनाई, तो संस्कृत में उनको ट्रांसलेट किया गया। पुरानी जो संस्कृत थी वो तो व्याकरण रहित थी, उसमें कोई नियम नहीं था, कहां सब क्या सब्जेक्ट लगाना है, कहां वर्ब लगाना है, कहां ऑब्जेक्ट लगाना है, मतलब जैसे मैंने बोल दिया आपने समझ लिया, काम हो गया। वेदों का मतलब यही है, मतलब मैंने बोल दिया, वहां नियम नहीं है, सेंटेंस बनाने का नहीं है, ग्रामर उसके अंदर कोई नहीं है, सिर्फ बात मैंने कही है आपको समझ में आ गई, इसलिए उसको श्रुति कहा गया। जैसे हम घर में कोई ग्रामर का नियम प्रयोग तो ना करते, कैसे भी बोल देते हैं, समझ में आ जाती है, आधी बात बोल दी तो भी समझ में आ गई, पूरी बात बोल दी तो भी समझ में आ गई, तो ऐसे ही वहां पर लिखा हुआ है वेदों में, और कुछ नहीं। पर हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हमने आगे भगवान सिद्ध करना है, उसके लिए भी अपना प्यार करना है, कि समझा दे कि भगवान कोई भी देहधारी नहीं हो सकता, और परमात्मा आकर के सत्य गीता ज्ञान सुनाते हैं, और कब सुनाते हैं, कैसे सुनाते हैं, ये परमात्मा का परिचय देना बहुत जरूरी है। तो आज बाबा हमें तीन काम दे रहे हैं। दूसरा काम है कि हमने सिद्ध करना है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव है। भगवान कोई मनुष्य या देवता को नहीं कहा जा सकता, भगवान एक है, वो बाप है, वो हमारा बाप है, हम आत्माओं का पिता परम आत्मा है, उस बाप से ही शांति सुख का वर्षा मिलता है, ऐसी ऐसी ओपिनियन लेना है, उनसे लिखवाना है ये कि ये कृष्ण भगवान नहीं है, शिव भगवान है, और वो हम आत्माओं का पिता है, और उससे हमें ये 7 गुण 8 शक्तियां मिलती हैं, ये उनसे लिखवाओ। अभी जो तुम ओपिनियन लेते हो ना, वो कोई काम की नहीं, कोई काम की नहीं। और कब कहा था ये? साकार मुरली है, 69 से पहले की है, आज की नहीं है, 69 से पहले की है, उस टाइम कहा था। हाँ, इतना लिखते हैं, ये शिक्षा बहुत अच्छी देते हैं। बाकी मुख्य बात जिसमें ही तुम्हारी विजय होनी है वो लिखवाओ, तुम्हारी जीत तो तब होगी जब ये वो लिखे कि हाँ वाक्य में भगवान समझ में आ जाए। परमात्मा का परिचय तुमने उनको नहीं दिया, बाबा डांट हमें लगा रहे हैं अच्छी तरह से। तुम अपने बाप का परिचय अपने भाई को नहीं दे सके, क्या हो तुम, कैसे कहेगा कि वो तुम्हारा भाई है?
तुम परमात्मा का परिचय देने में असमर्थ हो। इतनी मार खाएं क्या है, और इतनी मार और खाएं नहीं, कितनी पिटाई कर रहा है सवेरे सवेरे। हम मार खाने के लिए आ जाते हैं रोज, अगर हम भी ढीठ है, पर क्या जी ये बताओ, ये संस्कृत जो है पहले जो उन्होंने, मैं बता तो रहा हूँ ना मेरे भाई, मैं आपको अभी हमारे पास सवेरे एक फौजी भाई हैं, सवेरे सवेरे क्लास करने आते हैं 4 बजे, और उसको श्रावण में किसी ने कहा भाई शिव पुराण पढ़ना चाहिए, वो शिव पुराण खरीद के ले आया, अब पढ़ने लग गया। आज उसने फिर दोबारा, पहले भी कई बार जिक्र करता है, जब पढ़ के आता है ना कुछ, तो कहता है भाई क्या शिव पुराण ने बेड़ा गर्क कर रखा है नहीं। आज वो कहता है विष्णु भी जो है ना पार्वती की और शंकर की पार्वती की शादी हो रही है, और विष्णु मोहित हो गया पार्वती पर, वहीं बेड़ा गर्क हो गया। मतलब क्या कर, क्या क्या दिखाया है आप सब, आप सब आप उसको कहते ये भगवान के बारे में पता नहीं क्या लिख रहे हैं, और उससे इतने सारे पैदा हो गए। मतलब कहने का मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता, क्या लिख दिया है, ऐसे ऐसे कपोड़े लिखे हैं, मतलब जो हजम भी ना हो, जो हजम भी ना हो। परंतु तो दुनिया शिव पुराण शिव पुराण शिव पुराण, अरे भाई क्या पुराण, चाहे गरुड़ पुराण हो चाहे शिव पुराण हो, ये सारे व्यास के धरे लिखे धरे धराए हैं, है नहीं, जिसने बेड़ा गर्क करके रख दिया। 18 पुराण है और 18 पुराण बेड़ा गर्क कर रखा है, और दुनिया इन विचार, और ये उस समय आज से 2000 साल पहले लिखे गए। हाँ पढ़ते नहीं, अब कोई पढ़ना नहीं चाहता उनको, ये सिर्फ हमारे जो शास्त्री हैं कथावाचक हैं ये कहें, कभी कोई गरुड़ पुराण की कहानी उठाकर, विष्णु पुराण की उठाकर, या शंकर पुराण की, या ब्रह्म पुराण की, दुनिया भर के पुराणों में से कहाँ कहाँ से पद्म पुराण, जहां जहां से उनको मिलता है कोई कोई लाइन लेकर के, अच्छा ये तो बड़ी नई बात है, आज तक तो हमने नहीं सुनी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी गपोड़े, अब आप समझो ना कि इतने बड़े गपोड़े लिखे ना, आप पढ़ के देखोगे तो समझ में आएगा ना, जो हम तो इनको पढ़े थे, हम तो इनको सुनाते थे, बड़े नशे सुनाते, वाह भगवान वाह, मतलब वो इंसान से भी बदतर है। अब सोचिए कि शादी हो रही है शंकर पार्वती का, बेड़ा गर्क हो रहा है विष्णु का, क्या क्या भगवान है वो, किस बात के भगवान है, एक इंसान से भी मतलब बदतर रूप उनका दिखा रहे। वे लिखाओ, बाबा कहते हैं आज पक्का, बाबा पक्का बना बैठा, लिखवाओ कि ये, हाँ जी इसका मतलब तो व्यास है, उसकी भी विकारी दृष्टि थी, वो किस बात का, वो संत था ठीक है ठीक है, अब हम समझ सकते हैं ना। तो ये ब्रह्मा कुमारियां सत्य कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वो लिख करके दे, ये ब्रह्मा कुमारियां सच बोलती हैं। वे तो बाप है, वो गीता का भगवान है, बाप आकर भक्ति मार्ग से छुड़ाए ज्ञान देते हैं, ये भी ओपिनियन जरूरी है कि पतित पावनी पानी की गंगा नहीं परंतु एक बाप है। मतलब इससे ज्यादा प्रमाण क्या हो सकता है कि महाभारत को हमारे बाद के विद्वानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, थोड़ा हमारे से ज्यादा समझदार रहे होंगे ना, उन्होंने मना किया कि महाभारत को ना घर में रखना है और ना पढ़ना। कितनी वंडरफुल बात है कि हमारे बुजुर्ग हमारे से कितने समझदार थे, उन्होंने महाभारत को घर में रखने और पढ़ने से मना किया। और कौन था उसने घर घर पहुंचा दिया, क्या रामानंद सागर ने तो रामायण पहुंचाए थे, उसने रामानंद सागर दोनों उसी की है, चलो उसने घर घर पहुंचा दिया। तुम्हारी विजय हो ये ऐसे लिखवाओ तब तुम्हारी विजय हो, और ये काम अभी तक नहीं हुआ, 69 से पहले कहा था, अभी टाइम पड़ा है, उस टाइम कहा था, अब तो टाइम नहीं पड़ा ना, अभी तुम्हारी जो सर्विस चलती है इतना खर्चा होता है, ये तो तुम बच्चे ही
एक दो को मदद करते हो, बाहर वालों को तो कुछ पता ही नहीं है। तुम ही अपने तन मन धन से खर्चा कर अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो, जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करते वो पाएंगे भी नहीं। कल्प कल्प तुम ही करते हो, तुम ही निश्चय बुद्धि होते हो, तुम समझते हो कि बाप बाप भी है, टीचर भी है, गीता का ज्ञान भी यथार्थ रीति सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में भल गीता सुनते आए, परंतु राज्य थोड़े ही प्राप्त किया है। ईश्वरीय मत से बदलकर आसुरी मत हो गई, करैक्टर बिगड़ते पतित बन पड़े। कुंभ के मेले पर कितने मनुष्य करोड़ों की अंदाज में जाते हैं, जहां जहां पानी देखते हैं वहां जाते हैं, समझते हैं पानी से ही पावन होंगे। अब पानी तो जहां तहां नदियों से आता रहता है, इनसे कोई पावन बन सकता है? बन सकता है क्या? क्या पानी में स्नान करने से हम पतित से पावन बन देवता बन जाएंगे? पानी में स्नान करने से क्या पावन देवता बन जाएंगे? तीसरी बात ये लिखवा दी, अभी तुम समझते हो कोई भी पावन बन ना सके, किसी भी पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकता, ये है भूल। तो इन तीन बातों पर ओपिनियन लेना चाहिए। अभी सिर्फ कहते हैं संस्था अच्छी है, तो बहुतों के अंदर जो भ्रांतियां भरी हुई हैं कि ब्रह्मा कुमारियों में जादू है, बगाती हैं, वो ख्याल दूर हो जाते हैं, क्योंकि आवाज तो बहुत फैला हुआ है ना। विलायत तक यह आवाज गया था कि इनको 16,108 रानियां चाहिए, तब नए नए जब ज्ञान में शुरू हुआ था तो क्या उनको कहते हैं 400 रानियां मिल गई हैं, और क्योंकि उस समय सत्संग में 400 आते थे। बहुतों ने विरोध किया, पिकेटिंग आदि भी करते थे, परंतु बाप के आगे तो कोई की चल ना सके। सब कहते थे ये जादूगर फिर कहां से आया, ये ब्रह्मा जादूगर है जिसने इन सब को इतना जादू करके घर बिचारी छोड़ के सारे चले गए, जादू था ना उनको, तो लगे तो जादूगर है, फिर कहां से आया। फिर वंडर देखो, बाबा तो कराची में था, सिंध छोड़ के चला गया, वहां कोर्ट में केस चला, छोड़ के कराची में चला गया। आपके ही सारा झुंड, कोर्ट के बाद सारा झुंड आप पे ही आपस में मिलकर भाग आया, कराची में आ गया। कोई को पता नहीं पड़ा कि हमारे घर से कैसे कैसे भागे, आपस में तय किया रात को सारे के सारे भागकर कैसे भागे। ये भी ख्याल नहीं किया कि इतने सब कहां जाकर रहेंगे। फिर पश्च से ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज को बंगला खरीदना पड़ा, बंगला लिया, तो जादू की बात हो गई ना, इतने सारे आगे कहां रखना है उनको। अभी भी कहते रहते हैं ये जादू करनी है। अब पहले जो बाप ब्रह्मा कुमार थी वो क्या डालती थी, काजल डालती थी, पाकिस्तान में तो काजल डालते, इनका तो जादू है काजल, इनकी आंखों में देखना मत, और जो उनकी आंखों में देखता था वो ध्यान में चला जाता था, इसलिए इनकी आंखों में देखना मत, इनके आंख में काजल होता है, वो आंख में मत देखना, उनके वहां जाओ तो ध्यान रखना इतना, तो आंख आंख में देख लिया ना तो उनके आंख से आपको जादू लग जाए। और ब्रह्मा कुमारी आंख में तो जरूर देखे और समझ जाए कि वो ये देव ये जादू करने वाली है कुछ ना कुछ। ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो फिर लौटेंगे नहीं, ये स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाती है, फिर कितने तो आते ही नहीं। अभी तुम्हारी प्रदर्शनी आदि देखकर वे जो बातें बुद्धि में बैठी हुई हैं वो दूर होती हैं। बाकी बाबा जो ओपिनियन चाहते हैं ना वो कोई नहीं लिखते, ये लिखवाओ, बाबा को वो ओपिनियन चाहिए। आज पूरा फाइनल काम करवा रहा है, देख लो ये लिखे कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, सारी दुनिया समझती है श्री कृष्ण भगवानवाद, परंतु श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, शिव बाबा है पुनर्जन्म रहे, तो इसमें बहुतों की ओपिनियन चाहिए। गीता सुनने वाले तो ढेर के ढेर हैं, फिर देखेंगे ये तो अखबार में भी निकल पड़ा है, गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, वही बाप टीचर सर्व का सदगति दाता है, शांति और सुख का वर्षा सिर्फ उनसे मिलता है, बाकी
अभी तुम मेहनत करते हो, उद्घाटन कराते हो, सिर्फ मनुष्यों की भ्रांतियां दूर होती हैं, समझानी अच्छी मिलती है। बाकी बाबा ऐसे कहते हैं, वे ओपिनियन लिखे, मुख्य ओपिनियन है ये, बाकी सिर्फ राय देते हैं। ये संस्था बहुत अच्छी है, इससे क्या होगा? हाँ आगे चल, जब विनाश और स्थापना नजदीक होगी तो तुमको ये ओपिनियन भी मिलेंगे, समझ कर लिखेंगे। अब तो आ गया ना टाइम, नजदीक आ गया ना, कहता अब तुम्हें ओपिनियन मिलेंगे, अब हिम्मत करो, हिम्मत करो भाई जी, है नहीं? अभी तुम्हारे पास आने तो लगे है ना, अभी तुमको ज्ञान मिला है, एक बाप के बच्चे, हम सब भाई भाई हैं, ये किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है। सब आत्माओं का बाप एक सुप्रीम बाप है, बाबा है, उनसे जरूर सुप्रीम बेहद का पद भी मिलना चाहिए। सो 5000 वर्ष पहले तुमको मिला था, वो लोग कलयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, तुम 5000 वर्ष कहते हो, कितना फर्क है। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी, ये ओम एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, इनका इनके राज्य में विश्व में शांति थी, ये राजधानी हम फिर स्थापन कर रहे हैं, सारे विश्व में सुख शांति थी, कोई दुख का नाम नहीं था, अभी तो अपार दुख है। हम ये सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं, अपने ही तन मन धन से गुप्त रीति, बाप भी गुप्त है, नॉलेज भी गुप्त है, तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुप्त है, इसलिए बाबा गीत कविताएं आदि भी पसंद नहीं करते, वे है भक्ति मार्ग, यहाँ तो गुप्त रहना है, शांति से चलते फिरते बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र बुद्धि में फिराना है। अभी हमारा ये अंतिम जन्म है पुरानी दुनिया में, फिर हम नई दुनिया में पहला जन्म लेंगे। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए, अभी तो सब आत्माएं पतित, तुम आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप से योग लगाते हो। बाप खुद कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब संबंध छोड़, बाप नई दुनिया तैयार कर रहे हैं, मतलब मुझे एक बाप को याद करो तो दुनिया तुम्हारे लिए नई दुनिया तैयार कर रहे हैं बाबा, उनको याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। अरे बाप जो तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूल कैसे जाते हो? वो कहते हैं, बच्चे ये अंतिम जन्म, सिर्फ पवित्र बनो, अब इस मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, ये विनाश भी हूबहू 5000 वर्ष पहले ऐसे ही हुआ था, ये भी ये तो स्मृति में आता है ना, अपना राज्य था तो दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाबा के पास कोई भी आता है तो उससे पूछता हूं, आगे कब मिले हो? वही तो जो समझे हुए हैं वो जट कह देते हैं 5000 साल पहले मिले, कोई नए आते हैं तो मूंज पड़ते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि ब्राह्मणी ने इसको समझाया, सीधी सीधा बाबा आज है ना डंडा लेके बैठा है, तुमने समझाया नहीं, क्या करें बताओ। फिर कहता हूं सोचो, फिर बच्चों से कहता हूं सोचो कब मिले थे, उनको मुंह से निकलवाना है ना ये बात, और तो कोई भी पूछ ना सके, पूछने का अक्कल आएगा ही नहीं, वो क्या जाने इन बातों से, आगे चलकर तुम्हारे पास बहुत आकर सुने, इन बातों से ही जिनको समझ में आएगी वही बहुत आकर सुनेंगे जो स्कूल के होंगे। दुनिया बदलनी तो जरूर है, चक्र का राज तो समझा दिया है, अब नई दुनिया में जाना है, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। बाप नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें चली जाती है ना, फिर माँ बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाए तो बच्चों का बुद्धि कहाँ चली जाएगी, नए मकान में, हम वहां जाकर रहेंगे, पुराने मकान से मोह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पुराने मकान में फिर ममत्व नहीं रहता है। ये फिर है बेहद की बात, बाप नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, बाप क्या करते हैं, नई दुनिया
स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए आप इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो। ममत्व नई दुनिया में रहे, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य। वे तो हठ योग से हद का संन्यास कर जंगल में जाकर बैठते हैं। तुम्हारा तो सह सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, इसमें तो अथाह दुख है। नई सतयुगी दुनिया में अपार सुख है, तो जरूर उनको याद करेंगे। यहां सब दुख देने वाले हैं, माँ बाप आदि सब विकारों में फंसा देंगे। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। ये राजयोग बाप सिखलाते हैं, जिससे हम ये पद पाते। बोलो हमको स्वप्न में भगवान कहते हैं पावन बनो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। तो अब मैं एक जन्म अपवित्र बन अपनी राजाई गवाऊंगी। थोड़े ही इस पवित्रता की बात पर ही झगड़ा चलता है। द्रौपदी ने भी पुकारा है, ये दुशासन हमको नग्न करते। ये भी खेल दिखाते हैं कि द्रौपदी को श्री कृष्ण 21 साड़ियां देते। अब उनको समझ में नहीं आया, हम भी पढ़ते थे, हमें क्या समझ में आ रहा है 21 साड़ियां दी, 21 जन्म। हाँ, भला हमारे को समझ में आएगा, उन बेचारों को किसी को समझ में थोड़ा आएगा। अब बाप बैठ समझाते हैं कितनी दुर्गति हो गई है, अपार दुख है ना। सतयुग में अपार सुख था, अब मैं आया हूं अनेक अधर्म का विनाश, एक सत धर्म की स्थापना करने। तुमको राज्य भाग्य देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे, आधा कल्प फिर मेरी दरकार ही नहीं। सतयुग त्रेता में मेरी फिर जरूरत ही नहीं, तुम कभी याद भी नहीं करेंगे। तो बाबा समझाते हैं, तुम्हारे लिए जो सबके मन में उल्टा वाइब्रेशन है वो ठीक हो, निकल कर ठीक हो रहा है। बाकी मुख्य बात है सबसे ओपिनियन लिखवा लो। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसने तो आकर राज योग सिखाया है, पतित से पावन बनाया है। पतित पावन भी बाप है, पानी की नदियां थोड़ी पावन बना सकेगी, पानी तो सब जगह होता है। आप बेहद का बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, वो फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा है। ये है भक्ति मार्ग की। बच्चे कहते हैं बाबा याद कैसे करें? अरे अपने को आत्मा तो समझते हो ना, आत्मा कितनी छोटी है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, तो उनका बाप भी इतना छोटा होगा, वो पुनर्जन्म में नहीं आता। ये बुद्धि में क्या बाप याद क्यों नहीं आएगा? चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा बड़ा रूप हो समझो बाप का, परंतु याद तो एक को करो ना। तो तुम्हारा पाप कट जाएंगे, और तो कोई उपाय है नहीं। जो समझते हैं वो कहते हैं बाबा आपकी याद से हम पावन बन जाएंगे, पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, विश्व के मालिक बनते हैं, तो हम यह क्यों नहीं याद करेंगे? एक दो को भी याद दिलाना है तो हमारे सारे पाप कट जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है, बाप भी गुप्त, बाप के द्वारा प्राप्त ज्ञान भी गुप्त। ऐसा पुरुषार्थ भी गुप्त करना है, गीत कविताओं आदि की बजाय चुप रहना है। क्या कह रहे हैं, बीच बीच में लाइन ऐसी बोल जाते हैं कुछ ना कुछ, गीत कविताएं नहीं, चुप रहना, चुप अच्छा रहना अच्छा, शांति में चलते फिरते बाप को याद कर, बाबा की श्रीमत पर चलना है। पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे ममत्व तो निकाल देना है, इसे देखते हुए भी नहीं देखना है, बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। तो हमारे लिए नया मकान बन रहा है, स्वर्ग बनेगा, उसके लिए अपना दिमाग सारा दिन रात दिन सोचो बोलो करो। वरदान, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। ब्राह्मण जन्म भी विशेष, ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मण कर्म भी विशेष, अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। धर्म भी विशेष, कर्म भी विशेष, जन्म भी विशेष, क्योंकि ब्राह्मण कर्म में पालो साकार ब्रह्मा बाप को करते हो, ब्राह्मण जो है साकार ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हो। तो ब्राह्मणों की नेचर ही विशेष नेचर है, साधारण व मायावी नेचर ब्राह्मणों की नेचर नहीं है। सिर्फ यही स्मृति स्वरूप में रहे कि मैं विशेष आत्मा। ये नेचर जब नेचुरल हो जाएगी तो हमारे अंदर एकदम संस्कार बन जाएगा कि हमें इसी प्रकार से रहना है, सबको आत्मा देखना है, सबके गुण देखने हैं, अवगुण नहीं देखने हैं, तब बाप समान बनना सहज अनुभव करेंगे। स्मृति स्वरूप सुसमर्थी स्वरूप अवश्य बने। स्मृति स्वरूप कि मैं आत्मा हूं, और फिर आत्मिक स्मृति से समर्थी भी बने। स्मृति स्वरूप से समर्थी स्वरूप बन जाएंगे, यही सहज पुरुषार्थ है। जब बाबा की याद में रहेंगे तो सहज क्या बन जाएंगे, स्लोगन है, पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट का हाउस। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें।